वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे उपर आपा बड़े चिरां तों विचार कर रहे, श्रोमणी अकाली दल भी उन्हां विचारां दा हिस्सा कदे कदे बनदा रहा, पर जिहड़ी अज आपां गल करन लगे हां इन्हां ने गुरु साहिबान अगे कीती जाण वाली अरदास नूं नाटक दा नाम दे दिता। मैं नहीं कह रहा कि भगवंत मान ने जो किया बहुत वड्डा अखाड़ा किया, उहदे ते इल्जाम यह लग रहे ने कि नशिआं नूं उह रोकण विच विफल रहा, असफल रहा। पर खालसा जी, तुसी एक असफल बंदे नूं असफल कहण लई गुरु साहब दे पाठ, गुरु साहब दे नतमस्तक होके अकाल पुरख नूं कीती जाण वाली अरदास नूं नाटक कह रहे हैं, ये कित्थों तक जायज है? जेकर ओह मुख मंत्री हुंदे होए बच्चियां नूं लैके एक अरदास कर रहा हैगा परकर्मा दे विच खड़े होके, तुसी उस नूं इस तरीके नाल भी कह सकते हो कि बड़ा अच्छा उपराला है, पुलिस तो कुछ होया नहीं, राजनीतिक तौर दे उपर भगवंत मान मुख्यमंत्री दे तौर ते फेल हो गया, हुण गुरु चरणा विच लग्या कि गुरु जी कोई करिश्मा करनगे, गुरु जी कोई भाणा वरताउणगे कि पंजाब विचों नशे खत्म होणगे, इहनूं इस तरीके नाल भी निंदिया जा सकदा सी। पर सुखबीर बादल की बोल रहे ने, ये पाठ दा ते अरदास दा मुख्यमंत्री नाटक कर रहे हैं। मैनू ना वीडियो देख के बड़ी शर्म आई कि उन्होंने नाल दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का बहुत देर तक, बहुत लंबे समय तक प्रधान रह चुके सरना जी भी ढिड खिलारी बैठे ने, हुंदड़ साहब निमी पाई बैठे ने। यार तुसीं इन्नी गल नहीं कर सकते कि आपां जे भगवंत मान नूं निंदना हैगा, असीं भी निंदे हां भगवंत मान नूं, मेरी कहिड़ा मासी का मुंडा लगता, भगवंत मान नूं निंदना भगवंत मान नूं निंदो। तुसीं ये दसो कि जदों मैं राज करदा सी 2007 तो लैके 2017 तक मैं राज कीता बतौर उप मुख्यमंत्री, मेरे फादर साहब सीगे मुख्यमंत्री, असीं पंजाब चो नशा खत्म करता, असीं पंजाब दे किसी भी विधायक की गड्डी चो नशा नहीं फड़ अपना आउण दिता, असीं पुलिस वाले जिहड़े नशा करदे सी उह बंदे अंदर करते, जिहड़े व्यापारी सी उह अंदर करते। कहो ना, बिक्रमजीत सिंह मजीठिया भी कह रहे हैं कि उन्होंने ईवेंट की जगह दरबार साहब नूं बनाता, थोनू ये गल्लां कहनी शोभत लगदियां ने, तुहाडी पार्टी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उपर काबज आ, ते काबज होने का मतलब यह तो नहीं कि जे कोई उच्चा उठ के गल कर रहा उहदा मजाक उड़ाउण लई तुसीं अपने मां बाप नूं भी मजाक का पात्र बना दिओ। तुसीं गुरु की निंदा कर रहे हो, भगवंत मान की निंदा करते हुए, भगवंत मान की निंदा 100 बार, 1000 बार, लख वार करो, स्वास स्वास करो, पर तुसीं नाटक शब्द का ना ला के अरदास ते पाठ क्यों बोल रहे हो? सुखबीर सिंह बादल जी, तुहाडे नालों सियाणा तां तुहाडा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का प्रधान निकलिया, उन्हें लफजा दे विच तहम्मल तां कीता कि गल करनी हैगी है। पर यह मैं इस वीडियो दे विच कहांगा कि अज सुखबीर सिंह बादल एक्सपोज हो गया, लिटरली एक्सपोज हो गया, क्योंकि एदू वड्डी शब्दावली तुसी वरत रहे हो, ये तुसी सी ना जिन्होंने दरबार साहब दे विच खड़े होके कहा सी कि जिन्हें बरगाड़ी करवाया उहदा कख ना रहे, ते खालसा जी अज कौन है जिहदा कख नहीं बच रहा और जिहदे हथों श्रोमणी अकाली दल भी जांदी दिख रही है, कौन है? बिक्रमजीत सिंह मजीठिया कहते छज ता बोले ते छाननी भी बोले, ओ भरावा तेरे उत्ते ता पहले ही चिट्टे ने मुकदमे चलते ने, तुसीं जमानत ते बाहर आ रहे हो, तुसीं भगवंत मान नूं निंदना निंदो। असीं भी कहते हैं भगवंत मान तो नशे बंद नहीं होए, जदों भी कोई नशे के खिलाफ बंदा कदम चकदा झोटे वर्गे नूं अंदर कर देंदे ने, इन्हां दे पुलिस अफसर रले हुए नशे दे सौदागरां नाल।
ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾਟਕ ਆ। ਅਰਦਾਸ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਰਦਾਸ ਅਰਦਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਪੂਰਾ ਸਿੰਘ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਨੇ ਪੀੜੇ ਪਟਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਨਾ ਸੀ, ਸਨ 2009 31 ਦਸੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 31 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ। ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੈ ਜੋਗੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਥਾ, ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ 500-700 ਬੱਚਾ, ਚਿੱਟੇ ਵਸਤਰ, ਚਿੱਟੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਉਹ ਸਣੇ ਕੱਪੜੀ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਆ ਅਲੌਕਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 10-15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗਤ ਹੋਏਗੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਦਸੰਬਰ, ਔਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਾਰੇ ਉਚਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਚਾਰ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਵੀ ਉਚਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਭਵਿਆ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਵਾਕਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੜਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਜੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, 30 ਹਜ਼ਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਘਸ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਕਿਉਂ ਦੁਖ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨੀ ਰੁਕੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਅਡੰਬਰ ਹੈ ਤੇ ਪਾਠ ਅਡੰਬਰ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਪਾਠ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੜੀ ਸੁੱਚਮ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬੜੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਕਈ ਜਨਮ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬਣਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਦਮ ਜ਼ਾਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਇੱਕ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਜਨਮਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ, ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਪਾਠ ਤੇ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ ਦਾ ਛੋਕਰਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਪਾਠ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਰੋ, ਰੋਕਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਭੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਪਿਰਤ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹ ਵਾਕਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਜੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਨੀਯਤ ਨਾਲ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਯਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਫਲ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਰਗਾੜੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਹਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਚੰਗੀ ਨੀਯਤ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਕਈ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਰੋਕਣਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਆਇਆ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਲਓ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਬੋਲੀ ਜਾਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਣਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਵਾਕ ਮੁੱਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਲੇਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਆਹ ਬੇਬੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਇਕ ਬਣਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੰਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਫਹਿਰਿਸਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ
अकाली दल कांग्रेस, अकाली दल कांग्रेस, एक पौड़ी तेरी एक पौड़ी मेरी, एक पौड़ी तेरी एक पौड़ी मेरी, ये विच आके उन्हें भांजी मारती। आ की हो गया, लोग थोड़े तो अक चुके ने, इसे करके लोगों ने एक नवे बंदे नू मौका दिता, एक नवी टीम नू मौका दिता। और जे ये टीम भी नहीं चलेगी तो लोग किसी होर नू मौका दे देंगे, पर थोनू नहीं देंगे। लोगों नाल धोखा करने वाला कदे नहीं जितता, खास करके गुरु ग्रंथ साहब दीआं पीड़ां दीआं बेअदबियां जिसके राज विच पुंजा होण, और जिसने गुटका चक के सौ खाधी होवे कि मैं नशे खत्म कर दूंगा ते ना हो सकन, वह भी नहीं आते। अज तरलो मच्छी होया फिरदा, कदे भाजपा दे विच अते चेले हुण कांग्रेस विच भेजते कि चलो कांग्रेस विच राहदारी तां बनाओ, जे भाजपा वाले ने कोई अहुदा ना दिता तो मैं कांग्रेस में किसी मूंह दिखाने जोगा तो हो जाऊंगा, वापस तो आने जोगा हो जाऊंगा। यह तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनाई नहीं, इसने तो राजा वड़िंग साहब तुम कह रहे हो कि कैप्टन अमरिंदर झूठ बोलता जी, कलू थोड़ी कांग्रेस चावड़िया फिर की करोगे। राजा वड़िंग, नवजोत सिद्धू, बिक्रम मजीठिया, सुखबीर बादल को जितया इन्हों चो साध संगत जी, ये वो लोग ने जेड़े सिर्फ ते सिर्फ पंजाब नू अग ला के वो अग विच अपनियां रोटियां सेकदे ने, रोटियां। ये जब तक तुसी नहीं समझोगे गल बननी नहीं। बहुत दुख होया कि अरदास नू नाटक दस्या जा रहा। अज एसजीपीसी दी एग्जैक्टिव की मीटिंग हुई, एग्जैक्टिव की मीटिंग दे विच विरोधी धड़े की भी वीडियो आई है ते हाकम धड़े की भी वीडियो आई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हाकम धड़े ने जिन्हों संबोधन किया एडवोकेट धामी ने, वह कहता कि असी मता पाया सतलुज जमुना लिंक लहर के उपर, उन्होंने भगवंत मान नूं लाणता पाईआं। देखो पानी का मुद्दा, पंजाब का मुद्दा, राजसी मुद्दा, ये धर्म का मुद्दा नहीं हैगा, ये मर्यादा का मुद्दा नहीं हैगा। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिहड़ा सिक्खी विच निगार आ चुकिया, जिहड़ा गुरुद्वारा साहिबान दे प्रबंधन विच भ्रिष्टाचार आ चुकिया, उहनूं दूर करन दीआं गल्लां करे। तुहाडे तो तां हले अपना चैनल नहीं चला होया, उहदी गल ही नहीं किसे ने कीती, ना विरोधी धिर ने कीती, ना इन्हां ने हकम धिर वाले ने कीती। पीटीसी के तीन महीने पूरे हो चुके ने, उहदा की करांगे, इहदे उत्ते मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा। जिहड़े जिहड़े पैंतरे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान ने अज दी प्रेस कॉन्फ्रेंस चक्के ने, पंज चक्के ने, पंज वीडियो बनाऊंगा, कल्ली कल्ली चीज नूं तार तार करके तुहाडे सामने रखूंगा अगले दो दिनां दे विच। पर यह वीडियो मैं बनाउणा नहीं सी चाहुंदा, पर मैं सुनना चाह रहा सी कि एडवोकेट धामी की कहिंदे ने। एडवोकेट धामी कहते हैं कि गोल्डन टैंपल दरबार साहब दे विच भगवंत मान आके सियासत करदा, तो जब तुसी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस विच ही बोल रहे हो कि श्रोमणी कमेटी दे चोणां नूं लैके श्रोमणी अकाली दल तैयार है, उदों तुहाडे मूंह ते जीभ ते की आ गया सी, वो सियासत नहीं हैगी। मतलब साडा कुत्ता टॉमी ते थोड़ा कुत्ता कुत्ता। साध संगत जी बचो, वोटा आ गई ने, वोटा बना लो जिन्निया बनदिया ने। जे निजात पाउणी है इन्हां तों, श्रोमणी कमेटी आजाद करवाउणी है इन्हां तों, तां वोटा बनाओ। सब तो पहला वोटा होनिया चाहीदियां ने। पर एक गल की खुशी है कि संगत दे सामने सुखबीर बादल, बिक्रम मजीठिया, राजा वड़िंग ते नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने आप नूं एक्सपोज करता कि सिखी मर्यादा दे बारे इन्हां दी किन्नी क प्रोड़ता हैगी आ, सब्जेक्ट नूं किन्ना समझदे ने, महत्ता किन्नी दिंदे ने, ते उहनूं इज्जत किन्नी दिंदे ने। और इह धामी साहब ने भी दस्सता कि इज्जत किन्नी दिंदे आ। कोई बंदा अरदास करन आया उहनूं तुसीं नाटक दस रहे हो। मैं इस शर्म दे विच डुब्या होया इह प्रोग्राम खत्म करन दी इजाजत मंगना, और वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।